क्वालिटी में हिंदी टिप्स। तो मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में फुल कंपैरिजन करूंगा प्रिंटर के बारे में। अगर आप इन फ्यूचर प्रिंटर लेने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा प्रिंटर बेस्ट है, वो भी लेज़र में। तो आज इस वीडियो में बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट प्रिंटर है लेज़र में, जो कि आप बाय करना चाहते हैं ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ प्रिंटर की लिस्ट मैंने यहाँ पे निकाली है, जो कि आज की डेट में पॉपुलर हैं और बहुत ही ज़्यादा बिकने वाले प्रिंटर हैं। अगर आप प्रिंटर लेने की सोच रहे हैं, मैं तो एक एक करके आपको बताऊंगा कौन सा प्रिंटर आपके लिए आज की डेट में बेस्ट रहेगा। तो चलते हैं। मैंने यहाँ पे गूगल ओपन कर रखा है, अमेजोन ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले जो हमारी लिस्ट में आता है जो है वो HP का लेजरजेट M1005 मल्टी फंक्शन मोनो क्रोम लेज़र प्रिंटर है। इतना बेस्ट प्रिंटर है, इतना बिकने वाला ये प्रिंटर है। HP का जो सबसे ज़्यादा प्रिंटर अभी इस वक्त बिक रहा है स्कैनर में और विद फोटोकॉपी और स्कैनर मल्टी फंक्शन में, तो सबसे ज़्यादा ये प्रिंटर यहाँ पे 1005 बिक रहा है। तो पहले इसमें एक रूमर्स आई थी ये प्रिंटर बंद हो रहा है, तो अभी ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी अभी बंद नहीं हुई। आने वाले टाइम में ये बंद हो सकता है प्रिंटर, 1 साल में 1.5 साल में ये प्रिंटर बंद हो सकता है। फिलहाल के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और ये प्रिंटर इतना अच्छा है तो मैं बता नहीं सकता आपको। इतनी बढ़िया क्वालिटी इसकी और इसका जो सर्विस है वो आसानी से हो जाती है, इसका पार्ट्स वगैरह बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हैं। तो ये जब अपना GST लागू हुआ तो उससे पहले जो प्रिंटर नियर अबाउट 10 से 11 हज़ार के करीब ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाता था। जब से GST लगी है उसके बाद इसका प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और ये प्रिंटर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी ये फ़िलहाल इस जिसका प्राइस है वो नियर अबाउट 18 हज़ार के करीब ये प्रिंटर आपको मिल जाएगा। आप अगर ऑफलाइन स्टोर में बाय करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको 19 हज़ार 18 हज़ार में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन बाय करते हैं तो आपको आपके सामने ये प्राइस है, यह देखिए 17.5 हज़ार का ये प्रिंटर आपको मिल जाएगा। तो उसमें स्कैनर है और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें स्कैनर भी है और ये लेज़र है और इसकी जो प्रिंट आउट की कैपेसिटी एक बार रिफिल करने के बाद ये प्रिंट आपका नियर अबाउट 1500 से 2000 के करीब ये आपका जो प्रिंट आउट यहाँ से निकाल देता है एक बार रिफिल करने के बाद। और इसका जो प्रिंट है वो बड़ी आसानी से रिफिल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। और इसकी कार्ट्रेज भी आसानी से अवेलेबल है और इसमें देखिए प्रिंटर मल्टी फंक्शन 2-साइडेड प्रिंटिंग और यहाँ पे और हाई स्पीड USB 2-साइडेड LCD और कलर स्कैनर भी ऑप्शन सभी इसमें अवेलेबल हैं। और इसकी फैक्स और ई प्रिंट की ऑप्शन नहीं है, तो ये सिर्फ इसमें ना ही वाईफाई है ना ही अपना डुप्लेक्स की ऑप्शन है, पर ये प्रिंटर लाइफ टाइम के लिए प्रिंटर है, बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पहले से अवेलेबल है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको, इसमें कॉमन सी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप इसको थोड़ी देर यूज़ करते हो तो उसके एक प्रिंट आउट लाइट हो जाता है साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में से प्रिंट आउट लाइट निकलने जाता है। अगर उस प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको सोल्यूशन बताऊँगा। तो आपके ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी लेके आ जाऊँगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सोल्यूशन करना है। तो ये है अपना नंबर वन प्रिंटर। तो अभी चलते हैं हम दूसरे प्रिंटर की ओर, जो कि मैंने आपकी एक लिस्ट में सेव कर रखा है। तो अगर वो स्कैनर विदाउट स्कैनर है तो ये देखिए यहाँ है ये वाला प्रिंटर है HP का 1020। ये प्रिंटर भी बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रिंटर है, पर इसमें स्कैनर नहीं है, पर प्रिंटर इतना ज़्यादा बिकता है। अभी इसका जो कॉस्ट है वो देखिए, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले इसको 9,092 के करीब बाय किया था, अभी इसका प्राइस जो 12,000 के करीब जा चुका है। तो इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है प्रिंटर की। ये HP के सबसे पॉपुलर प्रिंटर है, दोनों प्रिंटर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कस्टमर आँख बंद करके इसको बाय करता है। क्योंकि इन दोनों प्रिंटर का जो है, जो मैंने पहले बताया, और इनका दोनों का आसानी से सामान अवेलेबल मिल जाता है मार्केट से, आसानी से आप इसको बाय कर सकते हैं। उसमें कार्ट्रिज भी बड़ी आसानी से और सस्ते प्राइस में आपको मिल जाती है और इसमें स्कैनर नहीं है, पर अगर आप स्कैनर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप इस प्रिंटर को रिकमेंड कर सकते हैं, आप प्रिंटर बाय कर सकते हैं। तो ये जो ट्रे है यहाँ पे इसकी इसमें ट्रे में से एक बार में से 100 सीटें निकल सकती हैं अगर आप मार देते हैं, तो उसके बाद इसमें वही प्रिंट हाई स्पीड की USB प्रिंट आउट और इसमें 12 की कार्ट्रेज डलती है, जो कि आपको आसानी से अवेलेबल हो
हो सकती है और इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, जितना मर्जी इसमें प्रिंट आउट दो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से बड़ी ही स्मूथ ये चलता है और इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती और बहुत ही अच्छा बिजनेस पर्पज के लिए बहुत ही अच्छा बिकने वाला ये प्रिंटर आज की डेट में है। आज की डेट में भी आगे भी यही प्रिंटर बेस्ट आपको रहेगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं 12,000 के करीब तो आप इसको आराम से बाय कर सकते हैं। तो ये प्रिंटर मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट बता रहा हूँ, वो लेज़र प्रिंटर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कलर प्रिंटर पे भी एक वीडियो लेके आऊँ तो बताना मुझे, मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो हमारी थर्ड जो लिस्ट में है वो आगे चलते हैं हम, जो प्रिंटर है वो है अपना HP का ही प्रिंटर है, HP प्रो M126NW मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। और इसमें क्या अभी का ये प्रिंटर भी काफ़ी डिमांड में रहता है, पर ये उन जो प्रिंटर मैंने बताए हैं दोनों से उनसे थोड़ा सा कम डिमांड में होता है, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट जो इसमें कार्ट्रिज होती है वो रिफ़िल जब कराते हैं दूसरी बार, तो दूसरी बार में इसमें टोनर वगैरह चेंज करना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, वो ड्रम वगैरह चेंज करना पड़ता है सॉरी, ऊपर कोई बात नहीं, पर वो अपना आसानी से अवेलेबल हो जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। तो इसमें जो फंक्शन की बात करते हैं, इसमें स्कैनर है, ये देखिए यहाँ पे एक डिस्प्ले दी हुई है, LCD डिस्प्ले दी हुई है, और इसमें बड़ी बात यहाँ पे वाईफाई भी है, ये आप डायरेक्ट वाईफाई अपने मोबाइल से अटैच कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई इसी प्रकार के राउटर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप PC से आप इसको कमांड दे सकते हैं, मोबाइल से भी इसको कमांड दे सकते हैं। HP प्रिंट की मदद से आप कोई भी अपने मोबाइल में डॉक्यूमेंट है उसको इससे आराम से प्रिंट आउट दे सकते हैं। और यहाँ पे ब्राइटनेस की ऑप्शन भी मिलती है, आप इसको लाइट करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं यहाँ से आपको फंक्शन मिल जाते हैं। और मल्टी फंक्शन की कमांड भी आप दे सकते हैं, एक साइड में आप आधार कार्ड वगैरह के यहाँ पे एक साइड में ही प्रिंट कर सकते हैं, पर ये भी डुप्लेक्स नहीं है। और इसमें भी हाई स्पीड USB 3.0 आती है, जो कि आपके बेस्ट रहती है कमांड, यानी कि एक साथ आप 100 प्रिंट आउट की कमांड देते हो तो बड़ी आसानी से पिक करता है और बड़ी जल्दी आपको रिजल्ट दे देता है। और इसमें जो स्कैनर है वो भी कलर है, कलर स्कैनर है, और इसकी जो बॉडी बिल्ट क्वालिटी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो प्रिंटर है। इसमें भी कार्ट्रिज जो डलती है वो HP की 88888A जो कार्ट्रिज डलती है वो भी बड़ी आसानी से मार्केट से मिल जाती है। इसका भी जो एसेसरी या सामान है वो बड़ी आसानी से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली और आसानी से इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, प्रिंट कॉपी स्कैन वायरलेस डायरेक्ट प्रिंटिंग डुप्लेक्स प्रिंट फ्रॉम स्मार्टफोन, आप इसको किसी से भी टैबलेट वगैरह सभी से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। तो बस इसमें यही प्रॉब्लम आती है, एक लाइट सी भी आपका ये प्रिंट आउट लाइट होता है, वो सभी जो भी लेज़र के प्रिंटर है उनमें दिक्कत आने लग जाती है, जब जब हम यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से इसमें प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी आती है, जैसे कि ये लेफ्ट साइड से थोड़ा सा लाइट आने लगता है और लाइट आता है उसके बाद ये बिल्कुल लाइट हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम अगर आती है तो इसके थोड़े बहुत टोनर के पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं, उसके बाद ये आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं वॉच की तो आप चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने इन प्रिंटर के रिगार्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डाल रखी है, आप उनको देख के अपने प्रिंटर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रिंटर माने जाते हैं जो कि अभी मैंने ये बताए हैं आपको, तो आप इसको बाय करना चाहते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और इसका प्राइस जो है अभी फिलहाल के लिए 16,000 के करीब ये प्रिंटर है। तो ये प्रिंटर में आपको मल्टी फंक्शन वाईफाई वगैरह की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है, अगर आप लेना चाहते हो तो ये भी आपको मैं रेकमेंड करता हूँ, आप ये ले सकते हो। नेक्स्ट प्रिंटर की ओर चलते हैं, तो वो है कैनन कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रिंटर, जैसे कि HP का M1005-1020 था, उसी प्रकार ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रिंटर विदाउट स्कैनर, तो चलते हैं उसकी तरफ। वो ये है वो कैनन का, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये वो प्रिंटर है कैनन LBP 3920 सिंगल फंक्शन प्रिंटर है। इस वक्त इतनी डिमांड है इसकी प्रिंटर की, यह बहुत ज़्यादा बिक रहा है, पर HP से ये HP जो प्रिंटर है 10वीं उससे इसकी कॉस्ट कम है, पर इसकी क्वालिटी और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है और इसका सामान भी बड़ी आसानी से अवेलेबल आपको मिल जाएगा। यह किसी भी आप लोकल शॉप से इसको बाय कर सकते हैं, पर वहाँ पे मुझे प्राइस क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं, 500,000 यहाँ पे ज़्यादा ही होगा ऑफलाइन में, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। आप यहाँ पे इसमें
ये देखिए यहाँ पे इसकी क्वालिटी मैंने यूज़ किया है। ये प्रिंटर हमारे पास रिपेयर होने के लिए बहुत आता है, इसमें ऐसी कोई भी अवेलेबल सामान सभी अवेलेबल है, कोई भी ऐसा पार्ट ही ना मिलता, सब कुछ इसका मिलता है। यहाँ पे सभी विंडो के साथ कंपैटिबल, इसमें भी हाई स्पीड यूएसबी आती है जो कि आपको प्रिंटर देने वक्त बहुत ही फ़ायदा होता है, और आपकी कमांड जल्दी प्रिंटर लेता है। और इसका जो प्रिंटर की डार्कनेस है बहुत ही अच्छी है, प्रिंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे मिलती है। ये सभी आपको एक फिलर से अवेलेबल मिल जाएंगे, और इनकी रेटिंग आप देख सकते हैं 4.5 तक गई हुई है। और ये प्रिंटर इतना अच्छा है कि आप इसको आँख बंद करके ले सकते हैं, अगर आप कैनन के प्रिंटर लेना चाहते हैं विदाउट स्कैनर, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर है। तो अगले प्रिंटर की तरफ चलते हैं, तो वो है कैनन का फोटो स्कैनर पेपर वाला जो प्रिंटर है, वो है कैनन 3010। तो ये प्रिंटर MF3010, ये प्रिंटर भी बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रिंटर है कैनन की तरफ से आने वाला। ये है स्कैनर वाला विद कलर स्कैनर, और इसमें मल्टी फंक्शन के ऑप्शन है। यहाँ पे वाईफाई इसमें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए प्लस माइन के ऑप्शन है, यहाँ पे आप पेपर की काउंटिंग कर सकते हैं और इसमें कमांड दे सकते हैं। इसमें भी हाई स्पीड यूएसबी है, ब्राइटनेस की ऑप्शन भी यहाँ पे दी गई है। और ये प्रिंटर का सामान भी अवेलेबल आसानी से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, वही प्रॉब्लम जब मैंने बताई है लाइट प्रिंटर की, तो आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा अगर कोई दिक्कत आती है। तो प्रिंटर भी ये काफ़ी बेस्ट है, आप इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इस प्रिंटर को लेने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपका पैसा वसूल है। अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए लेना चाहते हो तो प्रिंटर ये बेस्ट है फोटो स्कैनर में कैनन कंपनी में। तो ये था कैनन एचपी। तो अभी चलते हैं हम ब्रदर की तरफ। ब्रदर के प्रिंटर जापानीज कंपनी की तरफ से, जापान की टेक्नोलॉजी है और जापान इसको बिल्ड करता है, और ये इनकी प्रिंटर की भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होता है, लॉन्ग टर्म प्रिंटर है ये ब्रदर के। और असल में ज़्यादातर लोग इसको रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसका जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से कॉस्टली हैं, पर जो कॉस्टली होने के बाद ये आपको इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने वाला पार्ट है। जैसे कि इसका ड्रम डलता है तो वो नियर बोट नहीं 5 से 7 रिफिल निकालने के बाद इसका ड्रम चेंज होता है। यदि कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन इन जापान, तो जापान की टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे देखिए मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, यह है DCP-L2541DW, तो मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे वाईफाई, डायरेक्ट वाईफाई की ऑप्शन है, हॉटस्पॉट से इसको वाईफाई अटैच कर सकते हैं, और दूसरा इसमें लैन पोर्ट से भी आप इसको अटैच करके अपने राउटर से साथ कनेक्ट कर सकते हो, और आप कहीं अपने वाईफाई के एरिया में कहीं बैठ के इसको कमांड दे के आप प्रिंट निकाल सकते हो। और इसका जो कार्ट्रेज है वो भी बड़ा कमाल का है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका सामान भी बड़ी आसानी से अवेलेबल मिल जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी यही आती है कि जब इसमें थोड़ी बहुत डस्ट जाती है, तो फ्यूज़र में जाने के बाद डस्ट वो उसके साथ डस्ट पेपर पे चिपक के आती है तो दिक्कत आती है। वैसे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, कोई इशू नहीं आती, अगर आप थोड़ा बहुत इसको ध्यान से रखें, इसमें यूज़ ना करने के बाद इसमें कपड़ा वगैरह डाल के रखें, तो इसकी प्रिंटर की लाइफ बहुत अच्छी है। तो मैंने ये कस्टमर के पास, मेरे पास लेके आते हैं जिसमें 2-2 लाख की प्रिंट आउट निकल चुके हैं, तब भी ये प्रिंटर इतना अच्छा चलता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती, इतना लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रिंटर है, बेस्ट प्रिंटर ये माना जाता है ब्रदर की तरफ से आने वाला। तो इसमें भी हाई स्पीड यूएसबी आती है, और इसमें ब्राइटनेस डुप्लेक्स डुप्लस मल्टी फंक्शन। तो इसमें एक मैं और बता देता हूँ, ईडीएफ स्कैनर भी है, देखिए आप यहाँ पे ईडीएफ, ये देखिए ईडीएफ भी है, यहाँ पे लीगल पेपर आप स्कैन कर सकते हो और फोटो स्टेट कर सकते हो और कमांड दे सकते हो। स्कैनर के साथ साथ लीगल पेपर भी यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो, और यहाँ इसमें वाईफाई भी ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसका जो वाईफाई डायरेक्ट वाईफाई नहीं है, वो आपको हॉटस्पॉट से अपना वाईफाई अटैच करके इसको कमांड देना देनी होगी, तब ये यूज़ डायरेक्ट वाईफाई की ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो अभी देखिए ये, और इसकी जो ट्रे है वो ट्रे में आप एक बार में इसमें 300-400 शीट डाल सकते हो जो पेपर ट्रे है इसमें, और आप इसकी आराम से इतनी कैपेसिटी है, और एक बार में आप कमांड इसमें अगर 300 की कमांड भी आप दे देते हो तो इस प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल बड़े आसानी से ये प्रिंट पिक कर लेता है। डुप्लेक्स है और आप इसको डुप्लेक्स में यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। ये देखिए इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं रेटिंग इसकी बहुत अच्छी है। प्रिंटर का जो अभी प्राइस है नियर बोटनी ये 17,000 के करीब ये जा रहा है प्रिंटर, तो आज की डेट में अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन ये देखिए यहाँ पे दी हुई है, एलसीडी के बारे में, वाईफाई के बारे में, यूएसबी के बारे में, इंटरनेट के बारे में। तो आप इसको डायरेक्ट अपने वाईफाई से कनेक्ट करके, लैन पोर्ट से कनेक्ट करके अपना पूरा ऑफिस वाईफाई से इसको कनेक्ट कर वाईफाई बना सकते हैं अपने प्रिंटर को, और कहीं बैठ के उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये थे कुछ प्रिंटर जो कि आपके लिए मैंने चूज कर रखे हैं, जो आप लेने की सोच रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं इन प्रिंटर में से कोई भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी पैसा वसूल प्रिंटर है। आपको लेने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं बैठा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कॉल करें, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करवाऊंगा, इसको रीसेट करना है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको करवा सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करें और आप आंख बंद करके ये प्रिंटर बाय कर सकते हैं। ये बेस्ट प्रिंटर आज की डेट में 2020 में मार्च में आपके लिए बेस्ट प्रिंटर ये है। अगर आप 15 तक या 10 से 15 हज़ार तक आपका बजट जा रहा है तो आप ये प्रिंटर बाय कर सकते हैं HP, कैनन और ब्रदर में। तो ये था कुछ प्रिंटर के लिए जो मैं आपके लिए सिलेक्ट किए थे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो प्रिंटर के रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।